अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम देखने और सुनने वाले मेरे बहन और भाई, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अपने घर में बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत करम और बहुत एहसान है। और सुबह ही सुबह देखिए जी, आज हमारे देसी काम शुरू हो चुके हैं। और बिस्तर जो हम सर्दियों में ऊपर लेते रहे हैं, रज़ाइयाँ वगैरह, ये रुई की रज़ाइयाँ थी जो मैंने अपने हस्बैंड को दी थी साथ ले जाने के लिए। और फातिमा और खदीजा की रज़ाई भी रुई की है, मैंने उनको विकी रज़ाई नहीं दी हुई, इसलिए कि जब शदीद सर्दी पड़ती है दिसंबर के एंड में और जनवरी में, तो उस वक्त फिर बच्चों के लिए जो है विकी रज़ाई वो काम नहीं करती प्रॉपर। तो तीन चार रज़ाइयाँ ये जो है हमारी रुई की थी जो हमने यूज़ की थी इस साल। तो अब उन सारों का टाइम आ गया है कि जी उनको हम उनके टांके खोल कर, उनके ऊपर से कवर उतार कर उनको धोएंगे, वॉश करेंगे और फिर रुई को लेकर जाएंगे जी पेंजे पर। वो उसको अच्छे से उसकी धुनाई कर देंगे और उसके बाद फिर हम दोबारा से इसको सी कर रख देंगे। तो ये काम हो रहा था, साथ साथ बन रहे थे जी आलू के कटलेट्स। उसके लिए आलू बॉयल हो रहे थे क्योंकि मैंने कल देखा हमारे घर मेहमान आए तो हमारे कबाब जो थे वो भी ख़त्म हो चुके थे और आलू के कटलेट्स कोई चीज़ भी अवेलेबल नहीं थी। तो इस वक्त मटन तो नहीं मिलेगा, अभी ईद की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन आलू और चिकन के कटलेट्स हम बना कर रख लेते हैं क्योंकि चंद दिन एमरजेंसी में ये काम जो है इसी से हम चलाएंगे। और साथ साथ हो रही थी जो सफाई सुथराई। और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया नहीं कि मैंने आपको कल जो अलिफ़ के साथ शुरू होने वाले नामों का इस्में आज़म बताया था और उसको पढ़ने का तरीका और उसका सदका क्या बनता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। और आज आपको मैं बताने जा रही हूँ जी बे के साथ शुरू होने वाले जितने भी नाम हैं, ख्वा वो मर्दों के हैं या ख़वातीन के हैं, उन लोगों का इस्में आज़म उनके नाम के साथ क्या बनता है और उसको सही से अपनी दुआ मांगने का तरीका क्या है, उस इस्में आज़म को आपने कितनी मर्तबा पढ़ना है। अगर आपकी मुश्किल परेशानी थोड़ी कम है, आम रेगुलर आप पढ़ना चाहते हैं रोज़ाना, तो कितनी तादाद होगी। और अगर कोई बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़ी हो और आप लोग ज़्यादा किसी सख्ती में मुब्तला हों, तो फिर आपने उस इस्में आज़म को कितनी मर्तबा पढ़ना है और साथ में उसका सदका क्या बनता है, जो बे के साथ शुरू होने वाले नाम हैं उनका, और सदका देने का तरीका कार क्या होगा, ये सारा कुछ आपको मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। और कमेंट में आप मुझे ये भी बता दीजिए कि मैं ये रोक रोक कर वीडियो बनाऊं, यानी कि आज मैंने बे की बनाई है अगर, तो कल मैं आपको कोई और वजीफ़ा बताऊं किसी और मकसद और हाजत के लिए या किसी और चीज़ का, या फिर इसको मैं कंटिन्यूसली इसी तरह से रखूं कि पहले हम ये तक जितने भी नाम हैं, जितने भी हरूफ हैं, उन सब के वजीफ़ा मैं आपको बताती चलूँ। तो ये आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इसको मैं साथ साथ रखूँ या फिर थोड़े गैप के बाद जो है वो किसी अगले हर्फ का आपको वजीफ़ा जो है वो बताऊं और इसमें आज़म बताऊं। तो अभी हो रही थी किचन की हमारी सफाई, आज अच्छे से सर्फ़ डालकर हमने इसको धोया क्योंकि बच्चे जो हैं ये ऊपर पोछा लगाते हैं लेकिन इतना अच्छे से नहीं लगाते, तो ऑयल शॉयल जो था वो अच्छे से साफ किया है हमने आज बहुत डीपली, मैंने इसको वॉश करवा के। और ये हमारा वॉशिंग एरिया है जी, जहाँ पर हम सिलेंडर वगैरह रखते हैं, हमारी मशीन्स होती हैं, सारा कुछ बाहर निकाल के आज इसको वॉश किया है हमने। और इसकी टाइल्स देखिए ख़राब हुई हुई हैं और अभी मैं बस पहली प्रायोरिटी पर, इंशाल्लाह मौसम खुल गया है, रमज़ान ख़त्म हो गया है, तो मैं इसकी टाइल्स जो हैं वो चेंज करवाऊँगी। तो घर के काम काज की रूटीन तो वही है जो रोज़ाना होती है, हम तो ईद पर कहीं भी नहीं गए, तो आप लोग साथ साथ देखते रहिए। मैं अभी आपको बताने वाली हूँ जी आपके जो बे के साथ शुरू होने वाले नाम हैं उनका वजीफ़ा, सदका और पढ़ने का तरीका, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो उसके इस्में आज़म के बारे में बात कर लेते हैं। तो जी बे के साथ शुरू होने वाले नामों का इस्में आज़म है या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। ये तीनों ही अल्लाह ताला के नाम हैं और बड़ा ही पावरफुल इस्में आज़म है ये। और कहा जाता है कि इन नामों के अगर आप पढ़ते हैं बड़ी रेगुलरली तो फरिश्ते आपका रिस्क लेकर आपके पीछे पीछे भागते हैं और आप आगे आगे होते हैं। और अल्लाह ताला के ये नाम बहुत मुजरब हैं, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम।
ये आपने तीनों नामों को साथ मिलाकर पढ़ना है जब भी किसी मुश्किल में घिरे हों आप। अगर आप इसको अपने रोज़ाना का वजीफ़ा बनाना चाहते हैं तो आपने 313 मरतबा रोज़ाना इसको पढ़ना है। अगर आप रोज़ाना की बेस पर नहीं पढ़ सकते और कोई बहुत ही सख्त किस्म की हाजत आपको दरपेश है जो कि मसले आपके हल नहीं हो रहे, तो उसके लिए आप 2 रकात नमाज नफल पढ़ेंगे। 2 रकात नमाज नफल हाजत के पढ़ लीजिए और उसके बाद आपने इस तस्बीह को या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु, ये जब तीनों को पढ़ेंगे मिलाकर तो 1 मरतबा काउंट होगा। आपने 1001 मरतबा इसको पढ़ना है, 10 तस्बियाँ और 1 दाना ऊपर। तो आप इसके बाद जो दुआ करेंगे अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर, तो इंशाल्लाह आपकी हाजत जितनी भी मुश्किल से मुश्किल हो आप की ज़रूर इंशाल्लाह कबूल होगी। और मैंने शुरू में कल आपसे वजीफ़ा ये बताने से पहले इसमें आज़म आपसे ये बात की थी कि सही इसमें आज़म अगर आपको अपने नाम के हरूफ और अदद के साथ अदाद के साथ पता चल जाए तो वही कारामद होगा हर किसी के लिए। हर इसमें आज़म जो है वो काम नहीं करता, और इसमें आज़म को सही नामों के साथ चुनने के लिए बहुत तालीम और इल्म की ज़रूरत है जो कि हमारे जैसे जो आम लोग हैं वो नहीं जानते इन तमाम बातों को। इसका इल्म जो है वो एक अलग से इल्म है, अलग से दुनिया है, जिसको जानने के लिए बहुत सारी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उसमें तो ये हुआ है, आपको बताया कि उस्ताद मोहतरम हमारे बहुत ही हर दिल अज़ीज़ दुनिया से चले गए हैं, उन्होंने ये तमाम चीज़ें जो थीं वो हमारे साथ डिस्कस की और अपना इल्म हमारे साथ शेयर किया। तो मैंने इसको सदका जारिया और नेकी समझकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, देखिए आपके लिए ये मैं लेकर आई हूँ कि आप लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर ले, तो मुझे बहुत खुशी होगी। लोगों के बिगड़ते हुए काम अगर बन जाएं तो अपने इल्म को वैसे भी फैलाना चाहिए। इल्म एक ऐसी चीज़ है कि ये फैलाने से बढ़ती है, और अगर आप इसको अपने पास रखेंगे, सिर्फ अपने दिल तक महदूद रखेंगे, तो इसको जंग लग जाएगा, इसको लोगों में फैलाना चाहिए। तो ये इसमें आज़म हो गया जी, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु। अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर 313 मरतबा इसको पढ़ते हैं तो अपने रिज्क में आप कितनी कुशादगी देखेंगे, अपनी इज्जत में, अपनी कामयाबियों में। तो आप ये मुझे कुछ अरसा करने के बाद बताइएगा। और एक बात याद रखिएगा, हाँ वो दुरूद शरीफ हो जो हम पढ़ते हैं, और हाँ वो कोई वजीफ़ा हो, कोई इसमें आज़म हो, जब एक हद तक आप पढ़ना शुरू कर दें, उससे ज़्यादा आगे गुजर जाएं हद से, तो तब वो अपना जो असर दिखाता है, और एक मखसूस हद से जब गुज़रती है वो चीज़, तो फिर वो अपने करिश्मात आपको दिखाना शुरू होती है। तो आपने इसको रेगुलरली अपनी ज़ात का समझ लें कि हिस्सा बना लें अपनी रूटीन का, कि 313 मरतबा बे के साथ जिन लोगों के नाम शुरू होते हैं वो इसको लाजमी पढ़ा करें। और देखिए कितना टाइम लगता है, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम। तो देखिए अल्लाह ताला को आप उसकी कितनी सिफात के साथ बुला रहे हैं कि बेशक अल्लाह ही रहमान है, रहीम है, माफ़ करने वाला है और रब है हम सब का। तो ये अगर देखा जाए तो तीनों ही अलग अलग, जैसे मैंने कल कहा था इसमें आज़म है, या अल्लाह अकेला भी इसमें आज़म है, अर्रहमान भी और अर्रहीम भी। अल्लाह ताला के जितने सिफाती नाम हैं इनको इसमें आज़म ही कहा जाता है। तो अगर आप इन तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे, और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपकी हाजत बहुत बड़ी हो, कभी आपको ऐसी दरपेश हो जाए, तो फिर 2 रकात नमाज नफल हाजत पढ़िएगा और अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के बाद आप लोग पढ़ लीजिएगा जी 1001 मरतबा इसको। अभी बात कर लेते हैं इसके सदक़े की। तो आप लोगों के जो आपकी शख्सियत के साथ दिन बनता है वो बनता है जी इतवार का, और इतवार के दिन आपने सदका किया करना है। अगर आप हर इतवार को कर लें तो बहुत अच्छा होगा, मुसीबतें बलाएं परेशानियां अल्लाह ताला आपकी ज़ात से दूर कर देगा। इतवार के रोज़ आप लोग सफ़ेद चीज़ का आपने सदका देना है, सफ़ेद 1 किलो आप चीनी ले लीजिए। चीनी जो है वो भी बहुत अच्छी है, जैसे मैंने शक्कर के बारे में कल बताया,
वो चीनी आप किसी गरीब को भी दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। और अगर आपके आसपास कोई ज़रूरतमंद, जैसे कि बहन भाई जो हैं वो बाहर के मुल्कों में मौजूद होते हैं, उनके आसपास कोई लेने वाला नहीं होता सदका, तो फिर आप कीड़े मकौड़े उनको डाल दीजिए। और उसके बाद ये है कि जी, अगर आपके पास सफ़ेद चीनी आप नहीं दे सकते, तो आप अपने सर से लेकर अपने पाँव तक, यानी कि पाँव के अंगूठे के नीचे कपड़ा रख कर उसको अपने सर तक माप लीजिए अपने कद के मुताबिक, और सफ़ेद रंग का कपड़ा आप लेकर, बिल्कुल सफ़ेद, बगैर किसी प्रिंट के, बगैर किसी फूलों के, बगैर किसी डिज़ाइन के, सफ़ेद कपड़ा जितना आपका कद है पाँव के अंगूठे से लेकर, बेशक आप लेट कर इसको नाप लें, एक आध इंच दो इंच ज़्यादा ही हो, आपके नाप से कम ना हो, ये याद रखिएगा, सफ़ेद रंग का कपड़ा आप किसी को भी सदका करके दे सकते हैं जी। और ये सदका सफ़ेद चीज़ का ही बनता है आपका, वो चीनी हो सकती है, वो आपके लिए मैंने बता दिया सफ़ेद कपड़ा हो सकता है, ये दोनों चीज़ें ज़्यादा बेहतर रहेंगी। हाँ, दूध भी आप दे सकते हैं, दूध भी सफ़ेद कलर की चीज़ में आता है, दूध से बनी हुई चीज़ जैसे खीर, वो भी वाइट कलर की होती है, वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन चीनी की जो मकदार है वो आपको बता दिया 1 किलो होगी, और कपड़े की जो लेंथ होगी वो मैंने आपको बता दी कि आपके कद के मुताबिक होनी चाहिए। अगर आप दूध देना चाहते हैं वो आप 1 किलो दे दीजिएगा, अगर आप कोई दूध से बनी हुई खीर तो 1 किलो दूध की खीर बनाकर उसमें कुछ चावल डालकर, हाँ वाइट कलर के चावल भी आप पका कर दे सकते हैं, मतलब कोई भी सफ़ेद चीज़, लेकिन चीनी और वाइट कपड़ा आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है। इतवार के रोज़ मगरिब की नमाज़ होने से पहले पहले तक आप ये सदका जो है किसी को भी दे दीजिएगा, इंशाल्लाह आप पर से मुसीबतें और बलाएँ जो हैं वो टली रहेंगी, और ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी शख्सियत आपके नाम के हरूफ के साथ मुताबकत रखती हैं, और हमेशा वही चीज़ कारामद होती है। देखिए, आप किसी मेडिसिन की अगर बात करते हैं, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, तो हर मेडिसिन जो है वो हर बंदे के लिए नहीं होती, और उसकी मकदार जो आपको बताई जाती है डॉक्टर, आपके वेट और आपकी हाइट और आपकी एज के मुताबिक उस दवाई की डोज जो है वो मुकरर करता है, तो तब ही जाकर वो आप लोगों के ऊपर असर करती है। अगर आप किसी की भी मेडिसिन उठा के किसी भी मकसद के लिए खा लेते हैं, या उसकी मकदार का तायुन आप खुद ही कर लेते हैं, तो फिर आपको पता नहीं होता, क्योंकि आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हैं, तो आपकी बीमारी जो है वो ख़त्म नहीं होती। इसी तरह से ये जो आपको बता दिया, इसमें आज़म को बे के साथ शुरू होने वाले जो नाम हैं वो पकड़ लें, ता हयात जब तक उनकी ज़िंदगी है उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो हर्फ हैं, या अल्लाह या रहमान या रहीमों के, और उनके नामों का जो पहला हर्फ है, ये आपस में बहुत मुताबकत रखता है, और इंशाल्लाह ये इस पर बिल्कुल सही से असरअंदाज होगा। तो ये हो गया जी हमारा वजीफ़ा, मैंने आपको तमाम चीज़ें बड़ी तफसील से मेरा ख्याल है बता दी हैं। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ में कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की खिदमत के लिए हमेशा हाज़िर हूँ जी। अभी हो गई थी शाम, और फातिमा जो है आज बे टाइम ही सोई है, उसको मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ खा नहीं रही थी, तो मैं जैम लगा रही थी स्लाइस पर उसके लिए कि उठ जाए और मैं उसको खिला दूँ, और काफ़ी टाइम हो गया था जी अभी, बाकी के कामकाज हमने कर लिए थे। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगें, इंफॉर्मेटिव लगें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियोस को आगे अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी आप लोगों की, इंशाल्लाह आपके साथ हमारा साथ अब बना रहेगा, और आप लोग एक फैमिली बन चुके हैं जी हमारी, और देखिए हमारे घर की रूटीन में भी आप लोग रोज़ाना शामिल होते हैं, आप सब देखते हैं अपनी आँखों से। खुश रहें, आबाद रहें, और खुशियाँ बांटें, अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर दे, हर तरह की जो आपकी हाजत है, जायज़ हाजत, उसको पूरा कर दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।